अस्सलाम वालेकुम, हाय, दिस इज मोहन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, जिसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज या फिर अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं या फिर अमाइड लिंकेज भी कहते हैं। सो एज वी नो कि हम लोग प्रोटीन के बायोकेमिस्ट्री सीरीज को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और ये हमारी वीडियो है ऑन द पेप्टाइड बॉन्ड। पिछली वीडियो में हम लोगों ने टाइट्रेशन कर्व को डिस्कस किया था और हम लोगों ने यह देखा था कि किस तरह से जो आपके पास एक अमाइनो एसिड है वो एज एन एसिड या एज ए बेस बिहेव करता है, और उसका हम लोगों ने ग्राफ बाकायदा तौर पर देखे थे। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेप्टाइड बॉन्ड, या इन शॉर्ट आप लोग ये कह सकते हैं कि जो आपके पास एक्चुअल प्रोटीन है उसकी स्टडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब के एक्चुअल प्रोटीन। बिकॉज आप पता है कि इससे पहले हम लोग अमाइनो एसिड के बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे इंडिविजुअली, एक्चुअल प्रोटीन स्टडी। लेकिन एज वी नो कि जो आपके पास प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो आपके पास अमाइनो एसिड की लंबी लंबी सी चेन्स होती हैं और वो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अच्छा, सो व्हाट बेसिकली एज वी नो कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें। सो एज वी नो कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर, राइट? प्रोटीन इज अ पॉलीमर, एंड एज वी नो कि एवरी पॉलीमर हैज इट्स exactly monomers, and what are the monomers of proteins? Your amino acids, जिसको हम लोग discuss करके आ चुके हैं। So basically the peptide bond, you can say peptide bond is a bond, or you can say covalent bond responsible for the attachment of one amino acid with another and so on in protein. यानी कि प्रोटीन में जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से मिलता है तो वो जिस बॉन्ड से मिलकर आपस में मिलते हैं वो अमाइनो एसिड एक दूसरे से मिल, जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से या पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से मिलते हैं। सो भाई डिस्कस करते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से बनती है। सो अगर मैं जनरल स्ट्रक्चर बनाऊँ एक अमाइनो एसिड का, सो एज वी नो कि अमाइनो एसिड हैज एन अल्फा कार्बन एट द सेंटर, ठीक है, अल्फा कार्बन, देयर इज योर हाइड्रोजन, देयर इज योर आर ग्रुप, ठीक है, देयर इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से हम लोग इसको अल्फा कार्बन कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप अटैच, मतलब कि जो कार्बन आपके पास एक हायर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं उसको आप लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। वन प्लस हम लोग एक दूसरे आपके पास अमाइनो एसिड को भी यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, NH2, देयर इज योर अल्फा कार्बन, बट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू शो द अल्फा हियर, ठीक है, H, एंड देयर इज योर R. अच्छा, मैं इन दोनों को, बिकॉज आप पता है एक बात आपने नोट रखनी है कि जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड बनती है वो इन बिटवीन अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक बनती है, अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक, यानी कि इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगी। सो उसके लिए आई थिंक सो कि मुझे इसको थोड़ा सा खोल के, मतलब कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा खोल के लिखना पड़ेगा सो दैट कि मैं बता सकूँ कि बॉन्ड किस तरह से बनती है। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर आल्सो, देयर इज योर कार्बोनाइल, there is your OH, there is your N, there is your H, there is your, so ये आपके पास दो अमाइनो एसिड जिनके दो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन को मैंने खोल के रख दिया। अच्छा, तो होता कुछ यूँ है कि इसका जो आपके पास OH ग्रुप है वो इसके प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है, बिकॉज आपको पता है कि ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन एज फार एज हाइड्रोजन इज कंसर्न, यानी इसके ऊपर एक पार्शल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा, पार्शल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसको भी मैं अगर मोर खोल के लिखूँ, मतलब कि इसको भी फर्दर खोल के लिखूँ, सो आई कैन से दैट कि ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं एक एंगल पे बनाऊँ सो इट लुक समथिंग लाइक दैट, और ये एक लोन पेयर, मतलब कि ये पार्शली नेगेटिव हो जाएगा। सो एज वी नो कि दिस नेगेटिव दिस पॉजिटिव, तो इन दोनों में क्या होगी एग्जैक्टली, आपस में होगी अट्रैक्शन। तो ये जो अट्रैक्शन होगी इन दोनों के दरमियान जो प्यार मोहब्बत होगा उससे होगा ये कि जो पूरा का पूरा OH है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से लिबरेट होगा एक H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये जो है मतलब कि ये जो दो अमाइनो एसिड ये आपस में जुड़ जाएंगे। सो अगर मैं इस अटैच फॉर्म, मतलब कि वन अमाइनो एसिड अटैच टू अनदर अमाइनो एसिड को अगर मैं अगेन ड्रॉ करूँ सो इट लुक समथिंग लाइक दैट, सो देयर इज योर NH2, ठीक है, सो क्या आपको नजर आ रहा होगा, देयर इज योर हाइड्रोजन, ठीक है, देयर इज योर R ग्रुप, ठीक है, यहाँ आपके पास आई थिंक आई शुड हैव टू ड्रॉ विद आल्सो डिफरेंट कलर फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये जो है ये इस नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, यहाँ पर ये H, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लाइक दैट, देयर इज योर कार्बन,
देयर इज योर हाइड्रोजन, देयर इज योर आर ग्रुप एंड देयर इज योर, सो एज यू कैन सी अब किस तरह से दो अमाइनो एसिड जो कि अलग अलग थे, तो हुआ ये कि एक के कार्बोक्सिलिक एसिड ने दूसरे के अमाइन ग्रुप के ऊपर रिएक्ट किया, एक वाटर का मॉलिक्यूल लिबरेट हुआ, ये निकला और इन दोनों के दरमियान एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन गई। तो ये जो आपके पास बॉन्ड है, दिस वन, दिस बॉन्ड इज बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नोन एज, मतलब कि दिस बॉन्ड इज नोन एज योर एग्जैक्टली पेप्टाइड बॉन्ड, और इस पूरे प्रोसेस को आप लोग एक और नाम देख सकते हैं, यू कैन से दैट दिस इज अ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, और अगर पॉलीमराइजेशन की जुबान में बात करूं सो यू कैन से दैट दैट इट इज बेसिकली कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, अच्छा, सो व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मींस हाइड्रा मींस वाटर एंड डी मींस एग्जिट एंड सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन, एनी फॉर्मेशन इन व्हिच वाटर इज रिमूव एंड समथिंग इज फॉर्म इज नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, एंड कंडेंसेशन मींस, कंडेंसेशन मींस के वाटर बने और फिर पॉलीमराइजेशन, यानी इस तरह की पॉलीमराइजेशन जिसमें वाटर रिमूव हो उसको आप लोग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और इसके नतीजे में जो आपके पास बॉन्ड बनती है उसको आप लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, इसको हम लोग अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, बिकॉज एज यू कैन सी के ये जो आपके पास ग्रुप नया बना है, ताज़ा, ये जो गर्म आपने बनाया है अभी, ये एक अमाइड ग्रुप है, सो बिकॉज इसमें अमाइड की फॉर्मेशन होती है, दैट्स वाई इस बॉन्ड को आप लोग अमाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। अच्छा, अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना लाजमी, बिकॉज ये तो था कि अमाइनो एसिड की जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है एक दूसरे अमाइनो एसिड का तो किस तरह से बनती है, लेकिन अब इसके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने नोट डाउन करनी है, जिसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, सो भाई उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर देते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ आपके पास दो अमाइनो एसिड जो कि आपस में अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, यू कैन सी। अच्छा, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू नोट दैट इज दैट अमाइनो एसिड रेजिड्यूज नॉट अमाइनो एसिड इन प्रोटीन, यानी देखें जब कभी भी एक अमाइनो एसिड किसी दूसरे अमाइनो एसिड अटैच होकर एक प्रोटीन बनाता है, तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपके पास एक अमाइनो एसिड, मतलब कि आपके पास एक प्रोटीन की लंबी सी चेन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मुकम्मल ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर इसको सिर्फ और सिर्फ सर्कल से आपको शोकेस करवा रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये पाँच अमाइनो एसिड के ऊपर ये एक अमाइनो एसिड है, मतलब कि दिस सर्कल इज अमाइनो एसिड, 1, 2, 3, 4, 5 5 अमाइनो एसिड एंड 4 पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये जो आपके पास डैशेज हैं ये आपके पास अमाइनो एसिड की पेप्टाइड लिंकेजेस हैं, ठीक है। अच्छा, तो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज नॉट अमाइनो एसिड, देखें जब एक अमाइनो एसिड अपने आप को पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से एक दूसरे अमाइनो एसिड से मिलाता है, ठीक है, तो वो अमाइनो एसिड नहीं रहता बल्कि अमाइनो एसिड का रेजिड्यू बन जाता है। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझने के लिए फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि मैं एक अमाइनो एसिड यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दैट, इट एनएच2 अल्फा कार्बन हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और दिस इज योर आर ग्रुप, ये अमाइनो एसिड के कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग अमाइनो एसिड कह सकते हैं। लेकिन जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा तो आपको पता है कि इसका एक OH रिमूव हो जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यानी इन शॉर्ट ये कि इससे क्या निकला, इससे एक H2O निकल गया, एक्चुअल में अमाइनो एसिड तो ये था ना, लेकिन जब इसने पेप्टाइड बॉन्ड बनाई तो इससे एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो मतलब कि अब ये अमाइनो एसिड नहीं रहा, अमाइनो एसिड तब था जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड था और एक हाइड्रोजन यहाँ पर इस अमाइन के साथ था, तब ये अमाइनो एसिड था, लेकिन इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में ये अमाइनो एसिड नहीं बल्कि एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू है। रेजिड्यू मीन्स एनीथिंग विच रिमेन्स, फॉर एग्जाम्पल आप जब आप चाय बनाते हैं, राइट, तो जब आप चाय बनाते हैं तो आप जब चाय उस देगची से प्याली में या फिर आप मग में डालते हैं तो आपके पास जो छन्नी होती है उस छन्नी में आपके पास जो पत्ती है वो बच जाती है, तो वो पत्ती क्या है, वो रेजिड्यू है, और जो निकल गया वो आपके पास क्या है, वो फिल्ट्रेट है, राइट, तो जो बच गया उसको आप लोग रेजिड्यू कहते हैं। तो एक वाटर निकल गया, क्या बचा, अमाइनो एसिड रेजिड्यू। तो एक बात आपने याद रखनी है कि प्रोटीन में कभी भी अमाइनो एसिड, यानी एक प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड अटैच है, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाए हुए, तो आप लोग क्या कहेंगे, अमाइनो एसिड, नहीं, अमाइनो एसिड रेजिड्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू फोकस ऑन। अच्छा, आपने एक बात सुन रखी होगी कि कुछ आप लोग अमाइनो एसिड्स लिंक, मतलब कि कुछ प्रोटीन्स को आप लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं और कुछ प्रोटीन को आप लोग प्रोटीन कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलीपेप्टाइड एंड अ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। अच्छा, अब यहाँ पर एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जब कभी भी कोई भी अमाइनो एसिड, यानी कि कोई भी प्रोटीन, यानी कोई भी पेप्टाइड,
पेप्टाइड जिसका जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, व्हाट इज दिस एमआर मींस रिलेटिव। हम लोग जब इस तरह से बायो मॉलिक्यूल से कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल देखते हैं तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास नहीं देखते, हम लोग देखते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट। जब उस पेप्टाइड का यानी छोड़िए कि उस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का जो एम आर है यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट, वो अगर ग्रेटर देन हो 10 किलो डाल्टन से, किलो मीन्स 1000 मतलब के 10,000 डाल्टन, यानी कि जब कभी भी कोई ऐसा पेप्टाइड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10 kd यानी 10,000 डाल्टन से ज़्यादा हो तो उस पेप्टाइड को आप लोग प्रोटीन कहते हैं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, मतलब कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते। अच्छा, अगर इससे कम हो मतलब कि अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट 10 kd से कम हो तो उसको आप लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अच्छा, ये दोनों लफ्ज हैं ये इंटरचेंजेबल है, मतलब कि किसी भी प्रोटीन को आप लोग पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं, किसी भी पॉलीपेप्टाइड को आप लोग प्रोटीन भी कह सकते हैं, मतलब कि इसमें इतना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखना। यू कैन से पॉलीपेप्टाइड, यू कैन से प्रोटीन, बोथ मीन सेम। बट एक स्कूल ऑफ थॉट था जो ये कहता था कि अगर मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस कुछ इतना सारा हो जो मैंने बताया है, विच इज़ लेस देन और ग्रेटर देन 10 kd, सो यू हैव टू मेंशन प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अब हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिनको डिस्कस करना हमारे लिए लाजमी है ताकि हम लोग ये पेप्टाइड बॉन्ड को अच्छी तरह से समझ सकें। एक बात याद रखना, अभी आपने पेप्टाइड बॉन्ड का 10% भी नहीं समझा। अगर आपको लगता है कि आपको पेप्टाइड बॉन्ड समझ आ गई, जस्ट 10%, अभी 90% आगे आना बाकी है। सो भाई, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इस पेप्टाइड बॉन्ड की, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो अब आइए डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट के जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, वो एक पार्शल डबल बॉन्ड है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर आपने पहली मरतबा सुना तो आप बिल्कुल चौंके होंगे। यहाँ देखें तो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रही है, राइट, ऐसा ही है ना, लेकिन असल में पेप्टाइड बॉन्ड एक पार्शल डबल बॉन्ड है। अच्छा, इसकी कहानी क्या है, देखें, जब हम लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड की एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी की, एंड शॉर्ट इसको हम लोग मैं एक्स क्रैक कहता हूँ, यानी एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी, तो उससे ये पता लगा कि कुछ अजीब सा बिहेवियर सामने है। देखें, उस बिहेवियर को समझने के लिए आपने कुछ बातें नोट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड होती है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो है अबाउट 1.45 एंगस्ट्रॉम, और एक नाइट्रोजन और एक कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड होती है, प्योर डबल बॉन्ड, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है अबाउट 1.23 एंगस्ट्रॉम, बट सरप्राइजिंगली जब पेप्टाइड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ मालूम की गई वाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, सो ये कितनी निकल के आई, हैरान कौन था कि इट वॉज नैदर 1.45, नैदर 1.23, इट वॉज 1.32 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ना डबल ना सिंगल, बीच में। अब ये क्या सीन है? अब इसको सॉल्व किया दो साइंटिस्ट ने, एक का नाम था, आपने शायद सुन रखा हो, विच वॉज लीनियस पॉलिंग, एग्जैक्टली, जिसने पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने आई थिंक पढ़ रखा होगा, लीनियस पॉलिंग, आई थिंक आपने इनका नाम सुन रखा होगा, इन्हें बहुत सारा काम किया केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री के अंदर, खासतौर पे जो पॉलिंग्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स था उससे आप शायद इनको जानते हो, एंड कोरी साहब, कोरी भी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने ये बताया कि जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है वो एक रेजोनेंस कैरेक्टर शो करती है। अच्छा, रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस इसका मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसको मैं समझाता हूँ, थोड़ा मुझे वक्त दीजिए। अच्छा, सबसे पहले लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से और व्हाट दिस टू जीनीसिस हैव सेड। दिस इज आर, राइट, ये आपके पास वो कार्बन है, लेट मी ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर सो दैट आई डू इट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH, राइट, और यहाँ पर आपका रेस्ट ऑफ द जो आपके पास अमाइनो एसिड है R एंड H। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नाइट्रोजन इज अ पेंटावेलेंट एटम ना, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इस वक्त 3 इसने यूज कर रखे हैं,
टू थ्री, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास फ्री है, यानी शॉर्ट ये कि वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में एज अ लोन पेयर इसके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो होता कुछ यूं है कि एज यू कैन सी कि ये ऑक्सीजन है विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनसाइड दिस होल डाइपेप्टाइड, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उससे होता ये है कि ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस पॉइंट के ऊपर जो लोन पेयर है वो इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में आ जाता है, यानी कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर बीच में आ जाते हैं और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और समटाइम्स ये वापस अपनी जगह पर जाते हैं और वापस ये वाला स्ट्रक्चर बना देते हैं। इन शॉर्ट ये कि वापस ये कन्वर्ट होगा ये जो स्ट्रक्चर है अगेन एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में, लेट मी ड्रॉ इट, लेट मी रेजोनेंस वॉज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सो यहाँ पर अगर मैं अगेन ड्रॉ करूँ, सो अमाइन कार्बन अल्फा वाला एच आर, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं कि दिस इज योर वो कार्बन जो कि पेप्टाइड बॉन्ड में यूज है, ठीक है, एंड ये उसका लोन पेयर वापस आ गया, और यहाँ पर आप लोग जो फर्दर आपके पास जो आपके पास रिमेनिंग अमाइनो एसिड है उसको आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप यू मे कैन सी इट आर। कभी ये इस फॉर्म में रहता है यानी डबल फॉर्म में, और कभी ये इस फॉर्म में रहता है। तो ये एक रेजोनेंस है, मतलब के डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब के पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज नहीं है, मतलब के लोकलाइज नहीं है, डी लोकलाइज है। लोकलाइज का मतलब एक जगह पर टिके रहना, दे आर डी लोकलाइज। कभी ये यहाँ होते हैं मतलब के नाइट्रोजन के ऊपर, कभी ये इन दोनों के दरमियान रहते हैं टू स्टेबलाइज दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरऑल कुछ इस फॉर्म में रहता है कि यहाँ पर ये जो आपके पास डी लोकलाइजेशन है इसको हम लोग कुछ इस तरह से शो करते हैं कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से पार्शल डबल बॉन्ड की फॉर्म में रहते हैं, मतलब के लाइक दैट, मतलब कि ना डबल है ना ये सिंगल है, ये क्या है, इट्स अ पार्शल डबल बॉन्ड। सो आई होप सो कि जो पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है एक पेप्टाइड बॉन्ड का वो आपको समझ आएगा। अच्छा, अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इस पूरे जो आपके पास पेप्टाइड है उसके एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये देता है कि ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है दिस इज ऑल्सो नोन एज ओमेगा बॉन्ड, ठीक है, एक बात आपने याद रखनी, यानी पेप्टाइड बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज ओमेगा बॉन्ड, ठीक है, ओमेगा, ओमेगा इज द वर्ड विच इज इन लैटिन, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका ये है कि ये जो बॉन्ड है ये अनरोटेटेबल है, अनरोटेटेबल। इसका मतलब ये है कि ऐसे नो के जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो रोटेट कर सकता है, बट इसकी जो रोटेशन है, फॉर एग्जांपल ये जो बॉन्ड है, ठीक है, इट कैन रोटेट, ठीक है, ये जो बॉन्ड है इट कैन ऑल्सो रोटेट, बट ये जो बॉन्ड है ये रोटेट नहीं कर सकता। क्यों रोटेट नहीं कर सकता, बिकॉज ये एक पार्शल डबल बॉन्ड है, और आप पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको आप लोग, यानी कि वो जो डबल बॉन्ड है वो एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग, यानी इन शॉर्ट ये कि पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो जब कोई भी बॉन्ड रोटेट करेगा तो पाई बॉन्ड के टूटने का खतरा होता है। सो दैट्स व्हाई जो आपके पास पाई ये आपके पास जो पार्शल डबल बॉन्ड कंटेनिंग पेप्टाइड बॉन्ड है ये इररोटेटेबल है, ये रोटेट नहीं हो सकता। ये बाद में जाकर प्रोटीन को एक खास कन्फर्मेशन, ये खास स्ट्रक्चर, ये एक खास ओरिएंटेशन में अरेंज होने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये परफॉर्म करता है। हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट में डिस्कस करेंगे कि उसका क्या रोल है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि द पेप्टाइड बॉन्ड इज वन थिंग, पार्शियल डबल बॉन्ड एंड देन इट इज नॉन रोटेटेबल। और वो किस तरह से हमें ये पता लगा कि इनिशियली एक एक्सक्राइग यानी कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें ये हमारे पास डेटा आया, उसको सॉल्व किया किसने, दो साइंटिस्ट थे लीनियस पॉलिंग एंड द कोरी वन, और उन्होंने ये बताया कि ये जो डबल बॉन्ड है ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कभी ये ऐसा होता है विच इज द नेचुरल फॉर्म, कभी ये ऐसा होता है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन में मिस कर गया, तो देयर इज योर हाइड्रोजन, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से रहता है। अच्छा, अब दो तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और भाई उनको डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज दैट कि जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड वो जो है वो आपके पास प्लेनर है, मतलब के जितने भी एटम्स आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड कंटेनिंग एटम्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल एज यू नो के पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान बन रही है, तो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के ऊपर जितने भी एटम्स होंगे वो एक प्लेन पे होंगे। एज यू कैन सी दिस पिक्चर के जितने भी आपके पास ये पेप्टाइड बॉन्ड के इर्द गिर्द जितने भी आपके पास एटम है वो एक ही प्लेन में, मतलब दैट के पेप्टाइड बॉन्ड इज प्लेनर। ये इन शॉर्ट में यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ऑल एटम्स एटम्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड आर इन वन प्लेन, मतलब कि जितने भी एटम इन्वॉल्व होंगे इस पेप्टाइड बॉन्ड में
स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन अप अनटिल दिस कार्बन आर एन वन पे, मतलब कि एक अल्फा कार्बन से लेकर दूसरे अल्फा कार्बन तक के जो जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब एक प्लेन में होंगे। आप लोगों ने जिस तरह से देखा कि ये एक पॉलीपेप्टाइड की प्लेनर डायग्राम है और उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे एटम्स आ रहे हैं वन प्लेन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है ये एक पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो एक बात याद रखें कि इसमें आपके पास 40% डबल बॉन्ड करेक्टर है। कितना? 40% डबल बॉन्ड करेक्टर और 60% जो है वो सिंगल बॉन्ड करेक्टर। दिस इज एस, मतलब कि सिंगल 40% डबल बॉन्ड करेक्टर एंड 60% इज सिंगल बॉन्ड करेक्टर। देन द थर्ड इंपॉर्टेंट करेक्टर इज दैट कि जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है वो एक बायोपोलर बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ बायोपोलर बॉन्ड। बाय मीन्स टू एंड पोलर मीन्स एग्जैक्टली चार्जेस, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर जितने भी दो एटम्स है उनके पास, मतलब कि उनके ऊपर दो ऑपोजिट एंड पार्शियल चार्जेस हैं। इन शॉर्ट ये कि ये जो कार्बन है इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा एंड एग्जैक्टली यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। व्हाई इज दैट? वो इस वजह से बिकॉज इस कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन है जो कि इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि इस कार्बन को एक पार्शली नेगेटिव चार्ज देता है। एंड एज यू नो कि ये जो नाइट्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स व्हाई इट इज पार्शली पॉजिटिव। सो दिस इज अनदर करेक्टर दैट कि जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, वो आपके पास एक बायोपोलर बॉन्ड है। इसी के रिस्पेक्ट में आप लोग ये कह सकते हैं कि जो आपके पास एन टर्मिनल्स होते हैं, बिकॉज आप पता है कि लेटर ऑन जाकर हम लोग ये देखेंगे एक पेप्टाइड के अंदर एक एन टर्मिनल होता है विच कॉन्टेन द अमाइन एट द एंड और एक होता है सी टर्मिनल विच कॉन्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड एट द एंड। तो वो जो एन टर्मिनल होगा, ठीक है, एन टर्मिनल वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो सी टर्मिनल होगा एग्जैक्टली वो जो आपके पास है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ये चीज़ें बात ये आपने नोट रखना है। अच्छा, देन द लास्ट करेक्टर इज दैट कि अगर हम लोग एक अल्फा कार्बन से दूसरे अल्फा कार्बन तक जाएं यहाँ तक, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ चीज़ें नोट करने की हैं। सो अगर हम लोग एक अल्फा कार्बन से सेकेंड अल्फा कार्बन के दरमियान जितने भी एटॉमिक ग्रुप्स आते हैं उन सबको ड्रॉ करें, सो एज वी नो कि यहाँ पर आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है जिसको हम लोग सी प्राइम यहाँ कह देते हैं, ठीक है, यहाँ आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड आ जाती है विच इज पार्शियली डबल बॉन्ड। यहाँ पर आपके पास नाइट्रोजन एंड सॉरी देयर इज योर सेकेंड अल्फा कार्बन, सॉरी फॉर द नॉइज बट लेट मी फिनिश इट कम्प्लीटली, एंड देयर इज योर सेकेंड अल्फा कार्बन। अच्छा, यहाँ पर इस बॉन्ड को एज यू नो के एक तो हम लोग इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, सेकेंड नेम इज दैट के इसको हम लोग ओमेगा बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास अल्फा कार्बन और कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के दरमियान की जो बॉन्ड है इसको आप लोग एक खास नाम देते हैं, यू कॉल इट अ साई बॉन्ड। साई इसको आप लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये समटाइम आप लोग इसको यूं भी देखेंगे, दिस बोथ आर द सिंबल्स ऑफ साई, यानी कि द बॉन्ड इन बिटवीन अल्फा कार्बन एंड कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज साई बॉन्ड। इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं पी एस आई साई, एंड द बॉन्ड इन बिटवीन अल्फा कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑफ अमाइन इज नोन एज फाई बॉन्ड। फाई इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये इन बॉन्ड्स के नाम। अच्छा, मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रामाचंद्रन प्लॉट या फिर उसको हम लोग टॉर्शनल एंगल या फिर डायहेड्रल एंगल की मदद से समझेंगे, उसके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि इन बॉन्ड्स को क्या कहते हैं। एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो फाई एंड साई बॉन्ड्स हैं, फाई एंड साई, दे बोथ आर रोटेटेबल बॉन्ड्स, दे बोथ आर रोटेटेबल बॉन्ड्स, मतलब यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल, और ये प्लस 180 डिग्री से लेकर माइनस 180 डिग्री तक रोटेट कर सकती हैं। प्लस मींस क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव मींस, मतलब के माइनस मींस एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, ये जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है एज वी नो कि ये रिजिड बॉन्ड है, यानी कि जो मूव नहीं कर सकती, रिजिड, यानी शॉर्ट ये कि ये इररोटेटेबल है या फिर नॉन रोटेटेबल है। सो ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने लेटर लेक्चर में, मतलब कि इसके बाद वाला जो इंपॉर्टेंट लेक्चर आएगा उसको समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट मतलब कि लाजमी थी। सो दैट वाज इट विद ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई होप सो कि आपको जितनी भी मैंने यहाँ पर बातें बताई हैं वो आपको समझ आई होंगी। एंड अगेन, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, सो यू कैन लेट मी नो इनसाइड द कमेंट बॉक्स, ताकि उसको उस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक योर सेल्फ। गुड बाय।